लेकिन आज हकीकत यह है कि ये बात जरूर देख लें आज चीनी बिक रही है 85 रुपए किलो, आटा बिक रहा है 65 रुपए किलो, महंगाई कहां पर जा रही है, हुकूमत के हालात देख लें। कराची में 20 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं, अभी तक ये नहीं पता चला गैस कहां से आई है। ये कराची के लोगों की हक नहीं है जीने का, हुकूमत वफाकी वहां जिम्मेदार है। वजीर क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसी हुकूमत तो शायद पाकिस्तान की तारीख में ना पहले आई है ना इसके बाद कभी इंशाल्लाह आएगी। सर, क्या बात दुरुस्त है कि आपको कहा गया कि आप अपने मौके से पीछे हट जाएं तो आपके केसेस में कुछ नरमी हो सकती है? ये कहानियां चलती रहती हैं जी, हमारा मौका बड़ा सीधा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, और कोई मौकफ नहीं है, सारा पाकिस्तान ये चाहता है और सबकी ख्वाहिश यही है कि मुल्क चले। आज मुल्क नहीं चल रहा, महंगाई का आलम देख लें, मईशत का आलम देख लें, आज मईशत यहाँ पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक चीज में इजाफा हुआ है, वो सूद की पेमेंट है। सिर्फ सूद के अंदर 1500 से 3200 में सूद पहुंच गया है, जो हुकूमत की तमाम आमदन है वो आज सूद में चली जाती है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं बचता। बाकी हर चीज के लिए हुकूमत पाकिस्तान आज कर्जा लेकर गुजारा कर रही है, ये आज की हकीकत है। सर, वफाकी वज़ीरा कहते हैं कि महंगाई का करना तुम्हारी हुकूमतों की, भाई उठते किसकी है, गुलजार कौन है, महमूद कौन है, ये किसी पे इल्जाम लगाने से मसला हल नहीं होगा। फौजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, वज़ीर-ए-आज़म साहब को टीका लगाएं जिस तरह वो टीके लगाते हैं ताकि उनको महंगाई भी खत्म होती नजर आए। इस तरह खत्म नहीं होगी, हुकूमत जाएगी तो महंगाई खत्म होगी। गाड़ी में ले जनरली